ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਔਰ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ 33 ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਤ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बेसिक जॉइन पे ज्वाइन कर सकते हो जैसे ऑयलर फिटर नॉर्मल पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो जिसकी नॉर्मल सैलरी जो होती है वो $850 से लेकर $1200 तक होती है बेसिक जो इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें 80,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक आप मिनिमम बिल्कुल लो रैंक पर आप कमा सकते हो जितना आप इसमें ज़्यादा पढ़े होगे जितना ज़्यादा स्किल होगा आप उतना ज़्यादा इसके अंदर कमा सकते हो अगर इसमें हाइएस्ट सैलरी की बात करें तो इसमें हाइएस्ट सैलरी जो होती है 5 से 6 लाख रुपये तक की भी सैलरी होती है अशोक जी गारंटी दे रहे हो मैं गारंटी देता हूँ 10वीं का सर्टिफिकेट लेके आए बच्चा अपना पासपोर्ट लेके आए 45 दिन का टाइम दे शर्तियां मैं उसे बाहर भेजूंगा सीडी पर कहीं फ्रॉड भी निकलते नहीं लोग तो आड़े थे भरोसा क्यों कर लोग मुझे कहें कि आप कोई गलत काम कर रहे हो जब मैं चीज में एक सिंगल पैसा ले ही नहीं रहा अपनी जेब में ठीक है सारा काम मैं आपका वीजा होने के बाद लूंगा आपसे बच्चा हर जगह लीगल वे में जाएगा अपना वीजा लेके जाएगा अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे जाएगा ठीक है इसके अंदर ठगी तब मैं मानता हूँ कि कोई कंपनी आपसे पहले पैसा एडवांस ले रही हो आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर रही हो ना तो मैं इसमें किसी में कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर रहा हूँ ना किसी चीज में कर रहा हूँ क्लियर मेरी बस एक सिंपल शर्त है मुझे 45 दिन का टाइम 10वीं का सर्टिफिकेट और पासपोर्ट चाहिए मैं बार बार इन्हीं तीन चीजों में जोर इसलिए दे रहा हूँ इन तीन डॉक्यूमेंट के अलावा मुझे और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਕਾਈਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਡੀਸੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ये बेसिकली सीडीसी जो है आपके लिए एक तरीके से कहा जाए तो ये सीमैन बुकलेट होती है जिसमें आप जाके क्रूज वेसल्स इन सब पे जॉब कर सकते हैं ठीक है मरीन टाइम इसके अंदर कोर्स होता है जो एक 15 डेज का बेसिक कोर्स होता है इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं बट जो बेसिक प्रोग्राम है आप उसके अंदर एनरोल करके भी आप इसमें जा सकते हैं इसकी 15 डेज की एक ट्रेनिंग होती है नॉर्मल 15 डेज की ट्रेनिंग आप करके आते हो जिसकी क्लासेज आप अटेंड करके आते हो उसके वहां पर आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स प्लस फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग ट्रेन किया जाता है उसके बाद आप बेसिक ज्वाइन कर सकते हो जैसे ऑयलर फिटर नॉर्मल पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो जिसकी नॉर्मल सैलरी जो होती है वो $850 से लेकर $1200 तक होती है बेसिक जो इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें 80,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक आप मिनिमम बिल्कुल लो रैंक पे आप कमा सकते हो अच्छा। जितना आप इसमें ज्यादा पढ़े होगे जितना ज्यादा स्किल होगा आप उतना ज्यादा इसके अंदर कमा सकते हो अगर इसमें हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो इसमें हाईएस्ट सैलरी जो थी 5 से 6 लाख रुपए तक की भी सैलरी होती है ठीक है सो बहुत चंगी गल तुसी दसी है कि जो बेसिक सैलरी है वही इन्नी ज्यादा है कि आसानी दे नाल और जेकर तुसी पढ़े लिखे हो या अगे जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हो तो बहुत ज्यादा वधिया तुसी कमा सकते हो तो अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हो इसकी रिक्वायरमेंट्स की है इसकी रिक्वायरमेंट है हमें जो बच्चा चाहिए वो 18 साल से लेकर 26 साल तक की एज का बच्चा हो 10वीं का सर्टिफिकेट उसके पास हो अगर वो चाहता है कि अगर वो अनस्किल्ड है तो उसे हम स्किल भी सिखाएंगे हमारे पास स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसे हम स्किल भी सिखाएंगे 45 दिन की क्लासेस अटेंड करवा के प्रॉपर ट्रेन करके भेजेंगे चाहे इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर फिटर जो भी वो करके जाना चाहता हो वो ट्रेनिंग भी मैं कराऊंगा अगर वो कुक के लिए जाना चाहता है तो आप हमारे पास रिजॉर्ट भी हम वहाँ पर भी उसकी ट्रेनिंग करा के उसे ट्रेन कर सकते हैं उसके बाद शर्त यही है कि उसके 10वीं का सर्टिफिकेट उसके पास हो 18 साल से लेकर 26 साल तक की एज का बच्चा इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जिस की रिक्वायरमेंट हो मुझे और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं पासपोर्ट 10वीं का सर्टिफिकेट 18 साल से 26 साल की एज बस मतलब ये बहुत सौखा है कि जेकर ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਔਰ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ
अगर बात करते हैं इस कोर्स के अंदर अप्लाई करने के बाद आपके पास बहुत सारी कंट्रीज के ऑप्शन भी खुल के आ जाते हैं, ठीक है, जहां पर आपने कहा कि अच्छे नंबर से, अगर बच्चे 33 नंबर ला के पास है मैं उस बच्चे को भी भेज सकता हूँ, शर्त बस मेरी है कि 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, नंबरों दी भी मतलब कोई परेशानी नहीं है भी, फर्स्ट डिवीजन दे विच जेकर तुसी 10th पास कीती है ताई तुहानू ये मौका मिल सकता है। मुझे सिर्फ 10वीं पास बच्चा चाहिए। अगर बात करते हैं, अगर बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है, फ्लुएंट इंग्लिश वाला है, तो उसके हिसाब से उसकी प्रेफरेंस ऑफ कंट्री चेंज हो सकती है। वो चाहे तो यूएस जा सकता है, वो कनाडा जा सकता है। जो थोड़े कम पढ़े लिखे बच्चे उनको यूरोप में भेज सकता हूँ गारंटी के साथ, यूके में भेज सकता हूँ उनको गारंटी के साथ, शर्त है। अच्छा, तुसी शर्त की गल की ना भी शर्तें असं भेज सकते हैं, सब तो हम गल आती है भी किन्ने टाइम तक इन्हों का काम होगा, जेकर कोई बच्चा तुहाडे कोल आता है तो सीडीसी के तहत एनरोल होना चाहता है किन्ने टाइम तक उसका काम होगा? मुझे 45 दिन का टाइम चाहिए, सिर्फ 45 दिन का टाइम। शर्त है 45 दिन के टाइम के अंदर वो बच्चा, मैं उस बच्चे को ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ मंगा के दूंगा, प्लस उसको वैसल भी ज्वाइन करवा के दूंगा 45 दिन के अंदर। अगर वो बच्चा विदेश भी जाना चाहता है तो हमसे विदेश भी भेज सकते हैं। सिर्फ 1.5 महीना, सिर्फ 45 दिन। और जेकर सिर्फ 10वीं पास की है तो चाहे 33% अंका के नाल भी पास की है। मुझे, मैं बता दी, मुझे सिर्फ 10वीं पास बच्चा चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट। अशोक जी गारंटी दे रहे हो? मैं गारंटी देता हूँ, 10वीं का सर्टिफिकेट लेके आए बच्चा, अपना पासपोर्ट लेके आए, 45 दिन का टाइम दे, शर्तें मैं उसे बाहर भेजूंगा सीडीसी के ऊपर। और इस दी ट्रेनिंग कितने होती है? इसकी ट्रेनिंग जो होती है, जो नॉर्मल ट्रेनिंग बच्चे को स्किल सिखाने की ट्रेनिंग है वो हम राजपुरा कराते हैं, प्लस जो सीमैन की ट्रेनिंग के लिए बच्चे को जाना होता है वो बॉम्बे और आगरा में जो उनका डीजी शिपिंग का रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर है वहां जाके 15 दिन की वो ट्रेनिंग करके आता है, जिसके बाद उसे सीमैन का सर्टिफिकेट एंड बुकलेट मिलती है। अशोक जी तुसी क्या कि शर्तें हैं ते गारंटी दे नाल मैं 45 दिन दे अंदर, यानी कि 1.5 महीने दे अंदर अंदर बाहर भेज दूंगा। बहुत सारे इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स होंगे ने जो इस तरीके दियां गल्लां करते हैं, गारंटी देंगे ने, पर कई फ्रॉड भी निकलते हैं, लोग तुहाडे ते भरोसा क्यों करन? जे लोग मेरा भरोसा इसलिए करें, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करके मैंने बच्चे भेजे हुए भी हैं, मेरे पे दिखाने के उसके रिजल्ट्स भी हैं। दूसरा, मैं किसी बच्चे से पहले 1 रुपए भी एडवांस ले ही नहीं रहा, ठीक है, कि लोग मुझे कहें कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, जब मैं चीज में एक सिंगल पैसा ले ही नहीं रहा अपनी जेब में, ठीक है, सारा काम मैं आपका वीजा होने के बाद लूंगा आपसे, मैं पैसे आपसे ले नहीं रहा, तो ना आपकी कोई ठगी है ना कुछ है आपके साथ। यानी कि एक बार तुसी स्काई ट्रेल्स आके मिस्टर अशोक के नाल मुलाकात कर सकते हो, सारी डिटेल्स तुसी जान सकते हो कि सीडीसी है की ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 10th ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਡੀਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं बस आपसे यही जानकारी साझी करनी है, बच्चा जो हो नॉर्मल, एक तो सबसे बड़ी बात, कई बार लोगों का ना ये कंफ्यूजन हो जाती है, अगर आपने 10वीं कर रखी है, किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं कर रखी हो, वो बच्चा अपना 10वीं का सर्टिफिकेट, अपना पासपोर्ट लेकर मेरे मोहाली ऑफिस में कभी भी आ सकता है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 मैं अवेलेबल होता हूँ, वो कभी भी आ सकता है मेरे पास, आके आप विजिट करो, और फर्दर इंक्वायरीज के लिए मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट करके, मेरी पूरी प्रॉपर टीम आपको गाइड भी करेगी, आपकी बोर्डिंग से लॉजिंग तक सारी चीज की आपको हेल्प करी जाएगी। यानी कि किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना ही बच्चों नूं ते ना ही उनां दी अगे फैमिली नूं पेश आएगी, जिवें धोखेबाजी हुंदी नहीं वी साडा बच्चा पहुंचया या नहीं पहुंचया, काफी फिकर पिछे पेरेंट्स नूं हो जांदी है। देखो जी, बच्चा ना तो इसके अंदर कोई डोंकी के रास्ते से जा रहा है, बच्चा हर जगह लीगल वे में जाएगा, अपना वीजा लेके जाएगा, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ठगी है तब मैं मानता हूँ कि कोई कंपनी आपसे पहले पैसा एडवांस ले रही हो, आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर रही हो, ना तो मैं इसमें किसी में कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर रहा हूँ, ना किसी चीज में कर रहा हूँ, क्लियर मेरी बस एक सिंपल शर्त है, मुझे 45 दिन का टाइम, 10वीं का सर्टिफिकेट और पासपोर्ट चाहिए। मैं बार बार इन्हीं तीन चीजों में जोर इसलिए दे रहा हूँ, इन तीन डॉक्यूमेंट के अलावा मुझे और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी साडे नाल गलबात करन दे लई। सो जिवें कि अशोक जी ने दसिया, जेकर तुसी सिर्फ 45 दिनां दा सबर कर सकते हो, बहुत ज्यादा लंबा समा नहीं है, सिर्फ 1.5 महीना, तुसी 10th पास कीती हुई है, तुहाडे बच्चे ने 10th पास कीती हुई है, उसदे कोल पासपोर्ट है, 10वीं दा सर्टिफिकेट है, सीडीसी दे अंदर एनरोल कर सकते हो, की फीस है, एज किन्नी है, इस तों अलावा की रिक्वायरमेंट चाहीदी है, तुसी बेहतर भविख बना सकते हो। सो स्काई ट्रेल्स आके एक बार टीम दे नाल गलबात जरूर करो।